तो हाय गाइज, मेरे YouTube चैनल टेक्निकल सिस्टम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कॉल ब्लॉकर के बारे में कि कॉल ब्लॉकर ऐप क्या है और आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन में किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको चले जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में और फिर यहाँ प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ सर्च कर लेना है कॉल ब्लॉकर। तो हम यहाँ सर्च कर लेते हैं कॉल BLOC। जैसा कि दोस्तों आपको यह मोबाइल की स्क्रीन पे दिख रहा है कि कॉल ब्लॉकर मैंने सर्च कर लिया है और आपको जो इसमें से कौन सा ऐप इंस्टॉल करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो हम यहाँ इसे ढूंढते हैं कॉल ब्लॉकर ऐप कहाँ मेरा है। तो किस प्रकार से दोस्तों, कि आप देख सकते हैं ये वाला जो है मेरा ऐप कॉल ब्लॉकर ऐप है, देख सकते हैं कॉल ऐप कॉलर आईडी रिकॉर्डिंग, ये वाला जो ये कॉल ब्लॉकर ऐप है जहाँ की कॉल ऐप कॉलर आईडी इस प्रकार से हमें दिख रहा है और ये हमारे फ़ोन में इंस्टॉलेड है। तो आपको जो इसे इंस्टॉल कर लेना है और हम इसकी रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग 3.9 की रेटिंग है और 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है। इतना कर देने के बाद दोस्तों हम यहाँ मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाएंगे और फिर यहाँ से जो कॉल ब्लॉकर को हम ओपन करेंगे। कॉल ब्लॉकर को दोस्तों ओपन कर लेने के बाद हमारे मोबाइल की इंटरफेस कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से ब्लॉक सेलेक्टेड नंबर, ये जो है कॉल जो है ब्लॉक करने वाला है, आप किसी को भी ब्लॉक कर देते हो। तो हम यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों हमें अलाउ करने के लिए कहा जाता है। तो फिर से हम अलाउ कर देते हैं, फिर से अलाउ कर देते हैं एक बार। अब दोस्तों हमारा जो है एक्टिव डिफरेंट ब्लॉकिंग फीचर्स जो है एक्टिव होने वाला है, तो हम इसे इनेबल कर देते हैं। अब दोस्तों इनेबल कर देने के बाद इसका आगे का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से होगा वो मैं आपको बताऊँगा। तो बस इसे इनेबल कर देते हैं फाइन टू स्टेप। अब देख लीजिए दोस्तों, ये जो है मोबाइल की सेटिंग में आ चुके हैं अपेयर। तो कॉल यहाँ से हमें कॉल ब्लॉकर ऐप को जो था ऑन करना था और मैंने उसे कट कर दिया, तो ये गलत हो गया। तो हम जो इसे इसमें ला देते हैं और सेटस डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। अब दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे, जो कॉल ब्लॉकर ऐप मेरा, इस पर मेरा प्रोफाइल रजिस्टर हो चुका है। और फिर इतना कर देने के बाद ब्लॉक कॉल्स का एक ऑप्शन मिल रहा है जहाँ कि हमें दिख रहा है जो कॉल ब्लॉक्स था मगर अभी नहीं है, तो हम जो इसे चाहेंगे तो ब्लॉक कर सकते हैं। अब यहाँ से दोस्तों जैसा कि आपको ब्लॉक ऑल एक्सेप्ट कॉन्टैक्ट, अगर हम इसे ऑन कर देंगे तो मेरा यहाँ से सारा कॉल ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक प्राइवेट नंबर, तो जैसा कि दोस्तों जिस नंबर को हम ब्लॉक करेंगे वो प्राइवेट नंबर के रूप में आएगा जो कि किसी को पता नहीं चल पाएगा कि ये कौन सा नंबर है, सिर्फ हमें ही पता चल पाएगा, जो कॉल किया है उसी को पता चल पाएगा। तो इस प्रकार से जो दोस्तों आप इस ऐप के जरिए किसी को भी कॉल ब्लॉक कर सकते हो और कॉल ब्लॉक कर देने के बाद जैसे कि आपका कोई नंबर, कोई आपका घर वाला या कोई आपका जान पहचान आपका इस नंबर का विरोध कर रहा है या फिर इसे पहचान रहा है इस नंबर को, तो आप जो उसे यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करके या इस पे जो है ब्लॉक प्राइवेट नंबर्स को इस पे ऑन कर देना है। और दोस्तों इसे ऑन कर देने के बाद अब आप जिससे भी ब्लॉक करोगे तो वो जो एक प्राइवेट नंबर के तौर पे बन जाएगा जो कि कोई नहीं देख पाएगा। तो इस प्रकार से जो दोस्तों आप किसी को भी कॉल ब्लॉक के जरिए जो है उसका कॉल को ब्लॉक कर पाओगे। तो हमारी वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।